नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्लम्बर मैन में। दोस्तों, हम फिर से बात करने जा रहे हैं बाथटब के मेजरमेंट के बारे में। वैसे तो हमने इस मेजरमेंट के ऊपर दो वीडियो बनाया भी है और बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं, आपको मिल भी जाएगा। और ये हमारा तीसरे पार्ट का तीसरा वीडियो है। इसमें आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है कि हमने किस एरिया में बाथटब को लगाया है, किस एरिया में कमबोर्ड को लगाया है, किस एरिया में हमने शावर को लगाया है और बाथटब के ऊपर जो मिक्सचर लगाया है वो कहाँ पे लगाया है, और साथ ही साथ गीजर का भी पॉइंट दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा डक का एरिया है उसे भी दिखाया जा रहा है। दोस्तों, हम अपने बाथरूम के लिए जो भी पाइपलाइन लिया है वो इसी डक से लिया है। यहाँ से हमने 4 इंच का पाइपलाइन बाथरूम के लिए लिया है और बाकी का जो पाइपलाइन है वो हमने इस कोन से, इस कोन से, इस कोन से और इस कोन से लिया है, क्योंकि हर एक बाथरूम का अलग अलग लाइन है ताकि फोर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इसकी मेजरमेंट को हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा बाथटब का, जो बेस्ट वाटर होता है उसका पॉइंट है। यहाँ पे हमने बाथटब के लिए 1.5 इंच का बेस्ट कपलिंग लगाया है और साथ ही बोतल ट्रैप को कनेक्ट किया है, और ठीक इसके नीचे हमने एक पी ट्रैप डाला है जो कि 4 इंच का पी ट्रैप है, SWR पाइप। इस पी ट्रैप को लगाने के बाद हमने 2 से 2.5 फीट का एक पाइप का टुकड़ा लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक 4 इंच का प्लेन टी लगाया है, हमने लगाया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने पी ट्रैप किस लिए लगाया है, तो भाई साहब, मैं एक बार फिर से एक बात को क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बाथरूम में बाथटब लगाने जा रहे हैं तो सो प्लीज़ बेस्ट वाटर का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे आप 2 कनेक्शन करें, एक स्पेशल बाथटब के लिए जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है, और दूसरा एक बाथरूम के लिए जो कि आपके बाथरूम से जो बेस्ट वाटर निकलेगा उसे निकालने के लिए एक पी ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी भी किसी भी बाथरूम में आप बाथटब लगाने जा रहे हैं तो उस बाथटब के नीचे बैंड या नहाने ट्रैप कभी ना लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बाथटब की जो पानी करने की, स्टोर करने की जो क्षमता है वो 150 से 200 लीटर तक की होती है। अगर हम बाथटब को यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसका पानी निकालना चाहते हैं और वहाँ पर हमने पी ट्रैप लगाया है तो बहुत ही आसानी से उस पानी को निकाला जा सकता है। नहाने ट्रैप में इतने सारे पानी कोई एक साथ निकालने की क्षमता नहीं होती है, और अगर हम बैंड लगाते हैं तो हमारे बाथटब में तो बास आएगा ही आएगा और कस्टमर तो आपकी बैंड बजा देगा, ठीक है। और बेस्ट बाथरूम का जो एरिया है उसका बेस्ट वाटर निकालने के लिए एक दूसरा पी ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने पी ट्रैप दिखाया नहीं है क्योंकि इस नक्शे में बहुत ही गैदरिंग हो जाता, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने यहाँ पर पी ट्रैप शो नहीं किया, लेकिन फाइनल वर्क में हमने पी ट्रैप लगाया है, फाइनल वर्क से पहले लगाया है। अगर आप नए प्लम्बर हैं तो इसे कनेक्शन करना बहुत आसान है। सीधा सीधा आप यहाँ पे एक बाथटब रख लें और ठीक इस पॉइंट के सामने एक पी ट्रैप लगा दें, और बाकी जो आपका बाथरूम का जो डिज़ाइन है उसके सामने आप एक अलग से पी ट्रैप लगा लें, ठीक है। अब हम इसके हॉट एंड कोल्ड वाले जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बाथटब की चौड़ाई को नाप लेंगे। अगर हमारे बाथटब की चौड़ाई 2.5 फीट यानी 30 इंच है तो 30 इंच का आधा हम कर लेंगे 15 इंच, और हमारा जो बाथरूम का जो ये आखिरी दीवार है इस दीवार से हम 15 इंच पर एक काल्पनिक निशान लगा लेंगे। आप इस यहाँ पे एक एरो का निशान देख रहे हैं दोस्तों, यह एक काल्पनिक निशान है। उस निशान से दाईं तरफ एक हम एक पॉइंट बनाएंगे और एक बाईं तरफ पॉइंट बनाएंगे, और इस निशान से इस पॉइंट की दूरी 3.25 इंच होनी चाहिए, और इसी निशान से बाईं तरफ जो पॉइंट बनाएंगे उसकी दूरी 3.25 इंच होनी चाहिए। अब हम इस निशान को मिटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब इस दोनों पॉइंट की दूरी को हम नापेंगे तो इसकी दूरी 6.5 इंच होगी। तो हो गया ना मिक्सर का कनेक्शन, क्योंकि किसी भी वॉल मिक्सर का जो डिस्टेंस होता है वो 6.5 इंच ही होता है लेग बैंड लगाने के बाद। आप 7 इंच भी दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसकी हाइट के बारे में समझेंगे। भाई साहब,
आपने जो बाथटब में वॉल मिक्सचर लगाया है उसकी हाइट के बारे में आप बतला दें। तो ये जो हमारा फर्श लेवल है, मान के चलो कि हमारे बाथरूम में कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, अब हम उसके छत से हम इसकी हाइट को नापेंगे, डाउन स्लैब से नहीं, डाउन स्लैब को छत से नहीं, मेन छत से उसकी हाइट को नापेंगे। तो इसकी दूरी यानी इसकी हाइट की दूरी 30 से 32 इंच होनी चाहिए। अगर हम बाथटब यहाँ पर रख लेते हैं और रखने के बाद इसकी दूरी नापते हैं, इसकी हाइट को नापते हैं, तो इसकी हाइट कम से कम 8 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच होनी चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों 8 इंच और 10 इंच, सॉरी हमने यहाँ पे 30 और 32 लिखना भूल गए हैं। लेकिन अब जब कोल्ड वाटर का कनेक्शन दें तो दाईं ओर दें और हॉट वाटर का कनेक्शन दें तो बाईं ओर दें। यहाँ पर हमने जो काल्पनिक निशान लगाया था 15 इंच का, उसका भी हमने यहाँ पे मेजरमेंट शो किया है। और ये हमारा सावर वाला एरिया है, हम इसके बारे में भी कुछ बतलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ बाथटब का मेजरमेंट के बारे में करना था। तो अगर इसके बारे में हम आपको बतलाने लगें तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ हमने डक के बारे में बतलाया है कि हमने जो भी पाइपलाइन लिया है वो इसी डक से लिया है। अब थोड़ा सा हम फोकस इस कम्बोर्ड पर भी कर देंगे। ये हमारा कम्बोर्ड है, ये हमारा फ्लश है। दोस्तों कभी भी किसी बाथरूम में जब हम कम्बोर्ड लगाते हैं तो फ्लश वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पर हम एक ही पॉइंट डालते हैं और वहाँ पर हम 2-in-1 एंगल बल्ब डाल देते हैं और उसी बल्ब से जेट का पॉइंट ले लेते हैं और उसी बल्ब से फ्लश का पॉइंट ले लेते हैं। ये गलत है दोस्तों। अगर आप कम्बोर्ड लगा रहे हैं तो जेट का पॉइंट अलग दें और फ्लश का पॉइंट अलग दें। जेट का पॉइंट आप दाईं ओर दें और फ्लश का पॉइंट बाईं ओर दें। यहाँ पर नक्शे के माध्यम से समझाया गया है और यहाँ पर जेट का ऑप्शन भी दिखाया गया है, साथ में फ्लश का ऑप्शन भी दिखाया गया है। यह हमारा फ्लैश बॉक्स का ओवरफ्लो का पॉइंट है, ये हमारा पुश बटन है और ये हमारा कनेक्शन पाइप का पॉइंट है जो कि फ्लश को ऑन करने के लिए है और यहाँ पे जेट के लिए है। ये हमारा फ्लश बैंड है, ये हमारा कंबस्टन कम्बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से और इस नक्शे के माध्यम से पूरा का पूरा मेजरमेंट समझ लिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स करें, मैं इसके बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल प्लम्बर मैन को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद यही करना चाहूँगा कि इस नक्शे के माध्यम से बहुत ही क्लियर तरीके से आपने समझ लिया है और समझने का प्रयास भी किया होगा। फिलहाल मैं सावर वाले एरिया के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरे पार्ट का जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है, आप इसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।